सो गाइस, यहाँ पे हमारी बुआ ने पापा के लिए भेजा है फर्न्स एंड पेटल्स का ये रक्षाबंधन हैम्पर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ब्लू कलर के कलरफुल बॉक्स में आया है। उसके बाद इसमें है काजू दालमोठ, जो कि छप्पन भोग की है। छप्पन भोग बहुत ही फेमस शॉप है लखनऊ की। उसके बाद इसमें ये ग्रीटिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे तीन राखी का सेट है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही हैं। उसके बाद यहाँ पे पंजीरी लड्डू हैं, ये भी छप्पन भोग के आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोली चावल आया है, कि अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो आपके पास सारा सामान रहे रक्षाबंधन का। उसके बाद ये क्या है, ये पान डेट। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक पेपर रोस्टेड कैश्यू नट हैं, ये भी छप्पन भोग के हैं। और यहाँ पे मसाला खस्ता है। सो ये काफ़ी अच्छा हैम्पर है, अगर आप अपने लव वंस को देना चाहें। सारा कुछ अच्छे से आया है। एंड या थैंक यू बुआ। और गाइस, ये खस्ते इतने क्यूट क्यूट से हैं, छोटे छोटे से। इनको चाय के साथ खाने के लिए परफेक्ट है ये। यहाँ पे मैं जा रही हूँ हेयर कट के लिए कैब से, एंड मैंने सोचा थोड़ा अपने आप को चेंज किया जाए तो एक क्विक हेयर कट देने आई हूँ। मैं हमेशा यहीं आती हूँ जहाँ ये धब्बे पे मेरे भैया सेट हैं जो हेयर कट करते हैं, और यू नो बाल सबसे अच्छे हेयर कट से पहले रखते हैं। मेरे मुंह में थोड़ा इन्फेक्शन है, तो आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक मच, बट आई होप यू एंजॉय। तो आई गॉट माई हेयर कट डन, घर जाके प्रॉपरली दिखाती हूँ। सो गाइज, ये भूसान मार्केट। Usually it's closed on Wednesday. Most of the shops you can see are closed. And today me and Mr. Husband fought, इसलिए मैं ऐसे कैब वगैरह करके आ गई। Usually never happens. ठीक है, लेने आएंगे आई होप। सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई मॉम्स प्लेस, एंड देखती हूँ अगर यहाँ पर एक बड़ी फेमस शॉप है सुंदर बेकरी की, अगर वो खुली है तो कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। डैड की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो उनसे भी मिल लूँगी इसी बहाने। कभी कभी लड़ते रहना चाहिए पतियों से। एक्चुअली उनका काम था जेन्युइनली, तो वो नहीं आए, पर ठीक है, गुस्सा होना हम बीवियों का हक है। सो गाइज, मैंने ना थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है, अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर रिक्शे पे बहुत दिनों बाद। अभी रिक्शे पे सारे बालों की ऐसी तैसी बतानी है। सो गाइस, हम लोग मम्मी के घर से निकल चुके हैं। मिस्टर टफी हुई और मिस्टर हस्बैंड मुझे लेने आए थे, एंड अभी वो गए हैं पता करने कि अगर इसका वैक्सीनेशन होता है तो करवा दें, क्योंकि अगस्त में ड्यू होता है। तो हमने सोचा कि पहले ही करवा लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो अभी वो गए हैं डॉग्स एंड पप्स में। मेरी लिपस्टिक वगैरह सब गायब हो गई, काजल भी फैल गया है। काफ़ी अच्छा लगा मम्मी के घर जाके। वैसे तो मैं जाती रहती हूँ, टच फुट, बट इट वॉज नाइस टू बी देयर। तो अब मैं अपने घर जाके आपसे मिलती हूँ, और आज हमस बनाऊंगी होपफुली। सो मैं घर आ गई थी गाइज, और दूध उबल गया बिल्कुल पहले मैं ऐसे उसको ऊपर ले आती हूँ, फिर फूक फूक के वापस पे। तेज भूख लग रही थी तो मैंने हॉट डॉग ले लिया था सुंदर बेकरी से, और कोल्ड कॉफी बना ली। घर आके ना मैं नहा ली थी, और बाल बाल धोने होते हैं ना, नहान मतलब कटाने के बाद। आई डोंट नो आप लोग धोते हो कि नहीं, पर हमारे यहाँ तो बचपन से सिखाया गया है कि हेयर वॉश के बाद, हेयर कट के बाद यू हैव टू डू अ हेयर वॉश। एंड मेरी मॉम ने मुझे ये बहुत ही डेंटी से इयर रिंग्स दिए हैं पहनने के लिए, क्योंकि यूजली मैं इयर रिंग्स इतने पहनती नहीं हूँ। शी वॉज लाइक कि पहना करो। अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस का काम करने, बहुत काम है मुझे, एंड मिलती हूँ आप लोगों से। हमस तो आई थिंक कल ही बनेगा, बट आई विल सी यू ऑल्सो। आई एम श्योर आप मुझे नहीं देख सकते हो, हमारे घर में इतने कांड होते रहते हैं कि मैं और टफी अभी बालकनी में हैं। हमारे यहाँ मीटर फट गया घर में, एंड अभी मिस्टर हस्बैंड गए हैं बिजली वाले को ढूंढने। रात के 9:30 बज रहे हैं। आई विश कि कोई बिजली वाला मिल जाए उनको, बहुत मुश्किल चीज़ है। ओ माई गॉड, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। ये जो लाइफ की डेली प्रॉब्लम्स होती है ना, आई डोंट नो यूट्यूबर्स दिखाते हैं या नहीं, बट इट्स अ स्ट्रगल। मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कितना बुरी तरीके से हमारा मीटर फट गया है, फोटो लगा दूंगी। जिंदगी बिना यारों आसान नहीं होती है, मतलब जब तक आप पेरेंट्स के घर में रहते हो 90% चीज़ें मम्मी पापा हैंडल कर लेते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। और जब खुद पे आ जाते हैं, मिस्टर हस्बैंड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल करते हैं, बट यू नो अगर घर में कुछ भी, अब अगर तिनका भी हिलता है ना घर में, तो अपने भी दुख 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 होने लगती है। ना खाना बना है
ना खाना जोमेटो होगा अब तो खाना, आई एम डैम श्योर। मिलती हूँ मैं आपसे। वो देखो प्लेन जा रहा है, इतनी तेज इसकी लाइट है ना गाइस, मैं अपनी नेकेड आई से देख सकती हूँ, अभी नहीं दिख रहा है कैमरे में, बट ओ माय गॉड आई जस्ट रियलाइज कि कितनी पावरफुल लाइट होती है इनकी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह उठ के लूलू मॉल, हाइपर मार्ट जाएंगे, कुछ कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ खाया भी नहीं है ब्रेकफास्ट, तो वो भी करेंगे, एंड आई थॉट आई विल टेक यू गाइस अलोंग। तो गाइस अभी आज हम लोग फर्स्ट टाइम लाइफ में खाने जा रहे हैं टाको बेल। इतनी गजब बेइज्जती हुई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर करें, ये मेरा मुंह देख रहे थे, मुझे लगा कि इसने खाया है, इतना उछल रही थी टाको बेल के नाम से, तुमने कहा इसी, मैंने इसी को आगे कर दिया। उसके बाद उसने ऐसा समझाया कि ना इसको समझ में आया ना मुझको समझ में आया। मैंने कभी खाया नहीं है, पर मैंने शिवानी तनिजा के मैं व्लॉग्स देखती हूँ तो वो खाती है टाको बेल, पर मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि वो कौन सा खाती है, और क्योंकि उसको यू नो उसके सब्सक्राइबर बोलते हैं टाको तनिजा। मुझे ये लगता है कि अगर आप कभी किसी ब्रांड के नाम से किसी को जानते हो तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी करें और फिर काउंटर पे जाएं, क्योंकि जो गजब की बेइज्जती आज हुई है वो ऐसा बता रहा था कि ना मैं समझ पा रहा था, क्योंकि मैंने तो कभी टाको बेल के बारे में सुना भी नहीं था, इसने सुना था देखते ही उछलने लगी टाको बेल के नाम से, और जब वहाँ गई तो उसको कुछ पता ही नहीं चला उसने क्या बताया क्या इसने सुना क्या, हम लोग एक दूसरे का मुँह ही देखते रह गए, क्या गजब बेइज्जती हुई आज। सो अभी हम अपने बेइज्जती वाले टाकोस और केवेंटर्स का शेक पियेंगे। ये रहा मॉल का व्यू, मिस्टर हस्बैंड लेके आ रहे हैं टाकोस, वी हैव नेवर ईटन गाइस, वी हैव नेवर ईटन, सो लेट्स सी हाउ आवर एक्सपीरियंस गोज। तो हमने ना एक नहीं तीन टाको ले लिया एम्बैरेसमेंट में। यहाँ पे हम लेके आए अपना फेवरेट बबल गम शेक, आज थर्सडे था। ये पता है ये दो क्रिस्पी टाकोज हैं और ये एक रोल टाइप का है, ओपन रोल, तो पहले क्रिस्पी वाला तुम खा के टेस्ट टेस्ट करो गाइस। तो मिस्टर हस्बैंड क्रिस्पी टाको, मेरा तो मुंह ही इतना बड़ा नहीं है, कैसा है, ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए मेरे को। अच्छा है, मैं भी खा के। तो गाइस वी केम बैक होम, इफ यू कैन मेक आउट दिस इज सो स्वॉलन, मेरे टीथ में कुछ तो प्रॉब्लम है, आई विल गो टू डेंटिस्ट सून, बट दिस वाज आवर छोटू सा व्लॉग, आई होप यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, मीनवाइल आई विल कीप अपलोडिंग शॉर्ट्स एंड बी बैक सून।